जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 2011 के इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, अर्थात सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के हिंदी एवं रीजनिंग ये भी हो चुके हैं। आज जो बारी है वह सेकेंड शिफ्ट के जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसको कि आप सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो इसके कुल 25 प्रश्न रहेंगे, तो 25 के 25 मैं कर दूंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया 26 में, डिपोजिट केप्ट फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज, कहा जाता है कि विशेष अवधि के लिए रखी गई जमा राशियां, जैसे आप बैंक में क्या करते हैं कि विशेष अवधि के लिए डिपॉजिट कर देते हैं कि मैं अभी पैसे रख रहा हूं और 2030 के बाद इसको निकालूंगा, तो एक टाइम पीरियड आपने निर्धारित कर लिया, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका टाइम डिपॉजिट, ठीक है, जिसको कि मियादी जमा कहा जाता है या सावधि जमा, या इसको आप सावधि जमा के नाम से जानते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 26 का सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आपने आज डिपॉजिट किया है और कब निकालोगे, ये डेट फिक्स होता है, तो यह जमा आपका टाइम डिपॉजिट कहलाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 27 दिया गया है, इन इंडिया एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली, कहा जा रहा है कि भारत में कृषि जो है वह लगभग कितनी परसेंट रोजगार प्रदान करती है। देखिए आंकड़ा जो है 2011 के अनुसार, 2011 और 2020 के अनुसार बहुत चेंज हुआ है। 2011 के अनुसार जो है यह आंकड़ा आपका 65% माना जाता था। एक्यूरेट की बात करें तो एक्यूरेट जो है वह 54 से लेकर 65 के बीच का था, ठीक है, 54 से 65 के बीच। और 2020 की बात करें तो 2020 में यह आंकड़ा 40% पे आ गया है। अब जो है आईटी कंपनियां या फिर अन्य जॉब में लोग लग पड़े हैं, वहीं कृषि में जो एम्प्लॉयमेंट रेंजेस हैं वो कम होती जा रही हैं। तो 2011 के अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा? 2011 के अनुसार उत्तर आपका बी हो जाएगा। और यदि 2021 के अनुसार ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको नए डाटे में 40% लगाना होगा, ठीक है। 2021 में यदि पूछता है तो आपको 40% लगाना है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाज प्रपोज्ड बाय, कहा जा रहा है कि दल रहित लोकतंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए दल रहित जो है यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, जो कि लोकनायक के नाम से भी जाने जाते थे। ये जो है एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थे, इंडिपेंडेंट कार्यकर्ता हुआ करते थे ये, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 28 का ए उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने ही दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। तो 28 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, विच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सी मूलभूत अधिकार को संविधान की आत्मा बताई? देखिए मूलभूत अधिकार की बात आप करते हैं तो आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 को संविधान का दिल बताया गया है। इसमें क्या था? संविधान का अधिकार था। और संविधान के अधिकार के तहत क्या था कि जो भी चीजें संविधान में दी गई है इसके अधिकार का जो प्रयोग होगा वह हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा, जब तक कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या बताया था, संविधान की आत्मा या फिर संविधान का दिल, दोनों बोले थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये बी वाला है ना, तो उत्तर आपका 29 का बी हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 30 दिया गया है कि ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट जो है वह किसके बीच हुआ था? इसमें हमारे भारत से लाल बहादुर शास्त्री थे, तो दूसरे देश से कौन थे? देखिए ताशकंद समझौता जो है वह 1965 इंडिया और पाकिस्तान का जो वार चल रहा था, इंडिया पाक वार, ठीक है, जानते हैं ना 1965 का जो युद्ध है वह बहुत फेमस है। तो 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत की तरफ से कौन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान की तरफ से कौन आए थे? अयूब खान, ठीक है।
ये सभी जो है ताशकंद, ताशकंद जो है यह आपके उज्बेकिस्तान में है जो कि सोवियत यूनियन में आता है। वहां पर समझौता हुआ था, कौन आया था? अयूब खान। किसकी तरफ से आया था? पाकिस्तान की तरफ से आया था, और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री गए थे। कहाँ पर हुआ था? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान किसके अंतर्गत आता है? तो सोवियत यूनियन के अंतर्गत आता है। समझ गए? तो थर्ड का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 31 दिया गया है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हरप्पा सेयरसार। कहता है कि हरप्पा के समय जो मुहरें बनी थी वह किस प्रकार की थी। देखिए हरप्पा के समय जो मुहरें बना करती थी वह आपके पत्थर की हुआ करती थी, सॉफ्ट स्टोन की, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में हुआ करता था। ठीक है, चौकोर होता था। इसको आप चौकोर कह लीजिए, चौकोर का वर्णन मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं रेक्टेंगुलर दे दे तो आप रेक्टेंगुलर लगा सकते हो, लेकिन अधिकतर आपको वर्ग मिलेगा जो कि चौकोर होता था, और यह अधिकतर सॉफ्ट रॉक का बना होता था। ठीक है, या फिर सॉफ्ट स्टोन्स कह दीजिए, इसका बना होता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 32 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में आपके 5 लेयर हैं। इन 5 लेयर में यदि हम बात करें तो सबसे नीचे जो है वह ट्रोपोस्फेयर आता है, जो कि 0 किलोमीटर से लेकर आपके 12 किलोमीटर के अंतर्गत आता है, जिसको कि क्षोभ मंडल कहा जाता है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। मैं बाकी मंडल की भी चर्चा कर देता हूँ। यदि यहाँ पर आपको एस्टेरोस्फीयर दिया गया है तो यह आपके 12 के बाद 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। और उसके बाद यदि मीजोस्फीयर दिया गया होता, ठीक है, MESOPHERE, मीजोस्फीयर, तो यह 51 से लेकर 90 किलोमीटर तक होता। फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर, ठीक है, और उसके बाद एक्जियोस्फीयर। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा थर्मोस्फीयर, तो यह आपका 690 किलोमीटर तक, 90 से लेकर 690 तक आता है। और फिर आयनोस्फीयर जो कि 10,000 किलोमीटर तक चला जाता है, 690 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक चला जाता है। ठीक है, इनके विभिन्न विभिन्न कार्य हैं। किसी दिन यदि मैं ज्योग्राफी की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें विशेष चर्चा कर दूंगा। ओके, तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट क्रिसमस इन समर बिकॉज। कहता है कि ऑस्ट्रेलियाई जो है वह गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं। देखिए क्रिसमस जो है वह दिसंबर में ही मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? गर्मी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के समय क्या होती है? गर्मी हुआ करती है, इसीलिए वो लोग समर में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, तो 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 34 दिया गया है, बेटिल लीफ प्लांट इज। कहा जा रहा है कि पान का पौधा, पान का पौधा क्या कहते हैं देहाती भाषा में? देशी भाषा में यदि हम बात करें तो क्या कहते हैं? ये लगता है ना, मतलब इसमें बहुत सारे पत्तियां हैं, और जिसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं वह लत्ता कहलाता है, या फिर आप कह लीजिए बेल कह लीजिए उसको, एक भाषा में बेल कह लीजिए और इंग्लिश में क्लेम्बर कहा जाता है। तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए 35 दिया गया है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स नीड टू टेक। कहता है कि मसूड़े से खून बहने वाले व्यक्तियों को किस चीज का सेवन करना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति जिनके मसूड़े से खून बहता है उनको कौन सा रोग होता है? उनको एस्कर्वी रोग होता है, और मैंने पढ़ा रखा है ना, एस्कर्वी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, और विटामिन सी में क्या होता है? खट्टी चीजें आती हैं, है ना? तो देख लीजिए यहाँ पर खट्टे भोजन जो कि ए में दिया गया है, तो 35 का ए उत्तर हो जाएगा। देख लिया आपने, जो चीजें आप पढ़ते हो उसको घुमाकर पूछा जाता है, और यदि आप सभी को रिलेट कर पाते हो आसानी से तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे, अन्यथा एग्जाम में छोड़कर आया करोगे, है ना? तो इसलिए सभी चीजें और ध्यान से पढ़िए, तभी चीजें आसान हो पाएगी।
आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वो इंग्लिश में, दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 36 दिया गया है, व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट इन द मैन। कहा जा रहा है कि मनुष्य में सामान्य हृदय गति क्या है। देखिए, एक मिनट की यदि बात की जाए तो एक मिनट में मनुष्य का जो हृदय है वह 60 से 100 के बीच जाता है। ठीक है, 100 टाइम्स धड़क सकता है, लेकिन जो एकदम नॉर्मल माना गया है वह 72 बार माना गया है, 72 टाइम्स। ओके, तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा, 36 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 37 की आयोडीन डिफिशियंसी इन डाइट काउस्ट। आहार में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है। आहार में यदि आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा रोग हो जाता है। गले में आप देखते होंगे कुछ लोग होते हैं जिनके गले सूजे हुए होते हैं, क्यों होता है, क्योंकि वहां पर उनको ग्वाइटर हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, और यह आयरन की कमी की वजह से होता है। देखिए घोंघा आपके बी में दिया गया है, तो 37 का बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, फायर अलार्म यूजेस। एक फायर अलार्म जो है वह किस सिद्धांत का उपयोग करता है, बताइए। फायर अलार्म आग लगने पर, और आग लग रहा है ये किससे सूचित होगा, जब धुआं उठेगा, जब स्मॉग को डिटेक्ट करेगा फायर अलार्म, तभी तो पता चलेगा उसको, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके डी में दिया गया है कि एक फायर अलार्म में स्मॉग डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है ताकि उसे पता चले कि यहाँ पर आग लगी पड़ी है, है ना। तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 39 आपको दिया गया है, डायमंड आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स। हीरे किस तत्व से बने होते हैं। देखिए हीरा जो है वह कार्बन के एलोट्रॉफ में आता है, एक तो ग्रेफाइट हो गया आपका और दूसरा आपका डायमंड हो गया, है ना। तो यह किसका बना होता है, कार्बन का, और कार्बन का सबसे ठोस अपरूप हीरा होता है, कार्बन तत्व का बना होता है। ढूंढिए कहाँ दिया गया आपने, बी में दिया गया है, तो 39 का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है, ग्लेवनाइजेशन इज डन बाय कोटिंग आयरन विद। लोहे पर किसकी परत चढ़ाने से जस्टीकरण होता है। जस्टीकरण क्यों किया जाता है, ताकि जंग ना लगे। तो लोहे पर क्या चढ़ाकर ऐसा किया जाता है, जिंक चढ़ाया जाता है, जस्ता को चढ़ाकर जस्टीकरण का प्रयोग किया जाता है। जस्ता ढूंढिए आपके सी में दिया गया है, है ना, तो 40 का सी उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 41 दिया गया है, पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज। यदि हम मानव रक्त की बात करें तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वह 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। तो ये जो रेंज होता है यह वह हल्का क्षारीय टाइप का होता है, स्लाइटली बेसिक या फिर अल्कलाइन कहा जाए, है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है मीटली अल्कलाइन, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 41 का सी हो जाएगा। मानव रक्त जो होता है वह स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जल का पीएच मान क्या है, पीएच मान क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 42 दिया गया है, द मोस्ट वाइटल प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है। देखिए इन सभी ऑप्शंस में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है वह है पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से आप जिंदा हैं।
प्रजनन भी आता है। यदि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं दिया गया होता, तो आप प्रजनन लगा सकते थे, क्योंकि प्रजनन भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन यदि धरती पर ऑक्सीजन ही ना हो तो प्रजनन होगा नहीं होगा ना, लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, तो प्रजनन नहीं हो पाएगा। तो सबसे वाइटल प्रोसेस, सबसे अस्तित्व वाला जो प्रोसेस है, वह आपका फोटोसिंथेसिस है, जो कि सी में दिया गया है। तो 42 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 43 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है। देखिए ग्रीन हाउस गैस की बात हम करें तो ग्रीन हाउस गैस में आपके मीथेन आते हैं, उसके बाद आपका ओजोन आता है, उसके बाद आपका CO2 आता है, उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ये आता है और वाटर वेपर आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, मीथेन हो जाएगा ना, क्योंकि मीथेन तो उसके अंतर्गत आता है ना। तो 43 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ना ही हाइड्रोजन आएगा ना ही नाइट्रोजन आएगा, तो उत्तर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए 44 दिया गया है, इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 3 टू अक्टूबर 14 2010, द टोटल नंबर ऑफ मेडल वॉज वोन बाय इंडिया। कहा जा रहा है कि 2010 में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल जो है भारत में आयोजित किया गया था, तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए ये बताना है। तो कुल पदक जो है भारत के द्वारा 101 हासिल किया गया था, जिसमें कि मैं बता दूं 38 गोल्ड था, ठीक है, उसके बाद 27 सिल्वर था और 36 ब्रॉन्ज। और उस समय भारत सेकेंड पोजीशन पे रहा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 44 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, यह सबसे बेस्ट है भारत का। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बताइए बाघ है या सिंह है, बताइए क्या हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह टाइगर है, बाघ है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 45 का बी हो जाएगा। अब देखिए 46 दिया गया है, द डांस गिनाद इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ, कहा जा रहा है कि नृत्य गिनाद किस राज्य के साथ संबंधित है। यहाँ पर देखिए गिनाद की बात की गई है, तो गिनाद जो है, गिनाद हो गया, वावड़ी हो गया, चारी हो गया, घूमर हो गया, ये सभी जो है राजस्थान से रिलेटेड है। तो देखिए राजस्थान यहाँ पर सी में दिया गया है आपका, तो 46 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, घूमर, चारी, गिनाड, वावरी, तो ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। उत्तर आपका 46 का सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 47 दिया गया है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज या हैड नॉट बीन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त नहीं कर पाया या नहीं कर रहा। तो इस लिस्ट में देखिए चार लोग का नाम दिया गया है, तो अबुल कलाम आजाद या मौलाना आजाद, ठीक है, मौलाना आजाद, इसको आजाद कीजिए, आजादी नहीं, आजाद। तो मौलाना आजाद को कब मिला था, तो मौलाना आजाद को जो है 1992 में, 1992 में दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए आपका दिया गया है अरुण असफ अली, तो अरुण असफ अली को 1997 में दिया गया था भारत रत्न। और यहाँ पर एम जी रामचंद्रा दिया गया है, तो इनको दिया गया था 1988 में। ओके, तो ये तीन जो है इन्होंने प्राप्त कर रखा है भारत रत्न। वहीं पर आर ए किदवाई दिया गया है, जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त नहीं किया है। तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 48 दिया गया है, कटक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, कटक किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है। तो कटक जो है वह महानदी, यहाँ पर देखिए महानदी दिया गया है बी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 48 का बी उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक टेम्पल बहुत फेमस है, कटक चांदनी टेम्पल, ठीक है, कटक, चांदनी,
ये अत्यधिक फेमस है क्योंकि यह महानदी के किनारे है और यह दुर्गा पूजा एवं काली पूजा के लिए फेमस है। समझ गए? तो उत्तर यहाँ पर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 दिया गया है। हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे की खोज किसने की थी? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? रॉन्टगन के द्वारा किया गया। ठीक है, रॉन्टगन जो है वह आपके सी में दिया गया है, तो 49 का सी उत्तर हो जाएगा। और रॉन्टगन ने इन्हें दिसंबर दिसंबर 1985 में जोड़ा था। ठीक है, एक्सरे को। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम पे, टेलीग्राम नंबर है हमारा 7979946092, इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी दिक्कतें होंगी हम आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन 50 दिया गया है। द सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड है, केंद्रीय संस्कृत संस्था कहाँ स्थित है? देखिए पहले यह राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से था, फिर अब यह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से हो गया है। ठीक है, ये चेंज होता जा रहा है। और सर्वप्रथम ये जो है तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, वहां पर स्थित था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। तो उत्तर क्या हो गया? 50 का सी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने बता दिए। अब एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के पर्याय अर्थात समानार्थक के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है थकान के कारण सेना आगे नहीं बढ़ सकी। तो यहाँ पर ये जो थकान है इसका समानार्थक आपको बताना है। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से जो सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ए बी सी डी कमेंट कीजिए क्योंकि इतना लिखना मुश्किल हो सकता है। तो ए बी सी डी में से जो सही है वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।